अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, साइटोकाइनेसिस। इट इज अ एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल, राइट। अभी इसमें एनिमल्स और प्लांट सेल में ये अलग अलग टाइप का होता है। एनिमल सेल है ना, और इन प्लांट्स, राइट। एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है फ्लो फॉर्मेशन से, और प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है सेल प्लेट मेथड से, राइट। एनिमल्स में क्या होती है फॉर्म, फरो होती है, और प्लांट्स में सेल प्लेट फॉर्म होती है। ये कैसे होती है हम देखेंगे अभी। ये टेलोफेज में सेल है, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम है, राइट, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो दोनों एंड पे न्यूक्लियस है, उसमें क्रोमेटिन फाइबर्स है, राइट, क्रोमोसोम्स, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस, ये क्रोमेटिन फाइबर्स और क्रोमोसोम्स बोलते हैं, डीकंडेंस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। अभी ये फरो जो है उसको क्या बोलते हैं, नॉच भी बोलते हैं। अभी ये जो सेंटर ऑफ द सेल है इसमें क्या होता, फरो फॉर्म होती है, मीन्स यहाँ पे प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, और ये जो नॉच है धीरे 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 बढ़ती जाती है, राइट। तो यहां पे बाहर से अंदर में प्रेशर क्रिएट होता है, और ये जो फरो और नॉच है ना, वो एक्सटेंड होती जाती है, और फाइनली क्या होता है, फाइनली ये यहां से यहां तक एक्सटेंड होती है, और यहां से यहां तक एक्सटेंड होगी, फाइनली ये जो है साइटोप्लाज्म का कंप्लीट डिवीजन हो जाता है ना। तो ये जो है नॉच जो फॉर्म हुई, ये क्या हुई, बाहर से अंदर तक। अभी ये जो फरो फॉर्म होती है इसमें ये किस वजह से होती है, बिकॉज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, इस चीज से हो रही, ये माइक्रोफिलामेंट्स है, ये जो है सेल वॉल उस पर प्रेशर डालते हैं, और वहां पे नॉच फॉर्म होती है, ये बाहर की तरफ से अंदर की तरफ जाती है। सो इसका जो नॉच फॉर्मेशन है, या जो इसका सेल डिवीजन है, ये सेंट्रीपिटल टाइप का होता है। इस पे क्वेश्चन आता है कभी कभी, राइट। इसका जो नॉच फॉर्मेशन होना है वो सेंट्रीपिटल टाइप का हो रहा है, इस बाहर के बाहर से अंदर की तरफ एनिमल्स में, आप ध्यान रखिए इसको, राइट। अभी ये जो सेल प्लेट फॉर्म होती है प्लांट सेल में, तो मैं पहले ये प्लांट सेल बनाता हूं, क्रोमेटिन है और न्यूक्लियोलस है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जो गॉल्जी बॉडीज रहते हैं उसके जो वेसिकल्स है यहाँ पे बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, जो गॉल्जी बॉडीज थे उसके वेसिकल्स यहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, राइट। अभी सेकेंड स्टेज में क्या हो जाता, ये जो वेसिकल्स है ये पहले तो लूजली पैक रहते हैं, इसके बाद में इसके ऊपर ये फिन लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, राइट। और ये जो फिन लाइक स्ट्रक्चर है इसमें कैल्शियम पिक्टेट और ये जो गॉल्जी वेसिकल्स है,
गोल्जी वेसिकल्स, और इसके बाद में ये जो है ये फिल्म हो रही है फॉर्म, ये जो फिल्म फॉर्म है इसके बीच में देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पिक्टेट। ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम पिक्टेट है ये दोनों मिला के यहाँ पे क्या फॉर्म कर देती है, सीमेंटिंग लेयर फॉर्म कर देती है। और ये जो इसके ऊपर फिल्म बनी रहती है दोनों, दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा क्या है, ये मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फाइनली, यहाँ पे देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, राइट, ये अकुमुलेशन हुआ। और ये जो है ये दोनों सेल्स अलग अलग डायरेक्शन में दिखेंगे, ये जो सेल्स है ये फाइनली डिवाइड हो जाएंगे, इसी को क्या बोलते हैं बाद में मिडल लैमेला। प्लांट बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। ये मिडल लैमेला फॉर्म होके फाइनली क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ये एनिमल सेल में है, ये प्लांट सेल में है। एनिमल सेल में आपने देखा राइट कि देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फिलेम फरो थ्रू द माइक्रोफिलामेंट्स, राइट, और इसकी जो डायरेक्शन रहती है वो सेंट्रिपिटल रहती है। अभी इसमें प्लेट फॉर्मेशन हो रही है, राइट, सेल प्लेट फॉर्मेशन हो रही है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स जो है यहाँ पे शुरुआत में अकुमुलेट होते हैं सेंटर में, राइट, और वो फिर अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं, राइट। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है ये पहले धीरे धीरे सेंटर में फॉर्म होता है, उसकी तरफ फिर ये सेल वॉल की तरफ बढ़ते जाते हैं, राइट। तो ये जो है सेल प्लेट फॉर्मेशन है ये सेंट्रीफ्यूगल टाइप का है, ये सेंट्रीफ्यूगल मैनर में होता है। तो सेल एनिमल सेल में फरो फॉर्मेशन सेंट्रिपिटल मैनर में हो रही है, और प्लांट सेल में जो प्लेट फॉर्मेशन है वो सेंट्रीफ्यूगल मैनर में हो रही है। यहाँ पे गोल्जी वेसिकल्स एक्यूमुलेट होते हैं, उसके ऊपर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का एक्यूमुलेशन होता है, और ये सीमेंटिंग मटेरियल है, राइट, ये सीमेंटिंग मटेरियल के उसको सॉलिडिफाई कर देता है। उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में किस से बनी होती है, या सेल वॉल, है ना, सेलुलोजिक मटेरियल से। तो इस टाइप से ये जो है प्लांट सेल्स का साइटोकाइनेसिस होके प्लांट सेल डिवाइड हो जाते हैं। तो थैंक यू, इससे में इतना ही था। अभी हमारा माइटोसिस पोर्शन अभी खत्म हो गया है, इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस। तो पहले मियोसिस समझने के पहले माइटोसिस का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आप जिंदगी भर या जब भी बाद में पढ़ेंगे तब माइटोसिस और मियोसिस में कंफ्यूज होते जाएंगे, होते रहेंगे, और उसका जो है इफेक्ट आपके क्वेश्चनिंग पे आएगा, है ना, क्योंकि उसमें जो स्टेजेस है प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज, यही सेम स्टेजेस है मियोसिस में भी, बट उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। तो इसमें और उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए करके पहले माइटोसिस अच्छे से स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पहले ये करिए आप, उसके बाद में हम मियोसिस में मूव करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक यू।